तो चलिए सबसे पहले प्रभाकर का ही रुख कर लेती हूं। तो प्रभाकर, आज दो मामले हैं। सबसे पहले अगर मैं इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले की बात करूं, किस तरह से आप इस मामले को देख रहे हैं, क्योंकि जो डेटा पब्लिश हुआ है, किसने कितना दिया, ये नाम सामने आ गए, लेकिन किस पार्टी ने किससे लिया लेनदेन, इसको लेकर अभी तक कोई डेटा सामने आया नहीं है। 2018 से 19 का डेटा, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और हालांकि आपने ये जानकारी पहले ही साझा हम कर चुके हैं कि आज चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति का मामला है, जिसको लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, वो भी लिस्टेड नहीं है। लेकिन समझना मैं फिर भी चाहूंगी आपसे प्रभाकर, कि अब जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो गई है, तो ऐसे में अब इस याचिका का क्या मतलब रह जाता है, इसको किस तरह से हम देखें? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कुछ हो या नहीं हो, जब अदालत में सुनवाई होती है और अदालत के सवाल पूछे जाते हैं, तो उसके मायने होते हैं। आपको याद है कि नियुक्ति के पहले ही इस प्रोसेस को चैलेंज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम शुक्रवार को सुनवाई करेंगे, और इसके बीच में बृहस्पतिवार को मीटिंग भी हो गई, नियुक्ति भी हो गई, और शुक्रवार को उस नए चुनाव आयुक्तों ने कार्यभार भी संभाल लिया। इसे कहते हैं अगर कि भले ही रोक नहीं हो, लेकिन नैतिकता का तकाजा ये कहता है कि जब कोई मामला अदालत में पेंडिंग हो, तो उस पर सरकारों को कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। माफ कीजिएगा, मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है। मैं अगर पीसीआर मेरी आवाज सुन रहा हो तो ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए प्रभाकर। तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई होनी थी, जो सुनवाई नहीं हुई, ये भी एक सवाल है कि आखिर क्यों सुनवाई नहीं हुई। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम शुक्रवार को सुनवाई करेंगे, सब लोगों को उम्मीद थी कि सुनवाई होगी, लेकिन आज मामला लिस्ट ही नहीं हुआ। और अब जब आज ये बताया जा रहा है कि जो याचिकाकर्ता है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर दरख्वास्त करेंगे कि माय लॉर्ड, आपने कहा था कि शुक्रवार को सुनवाई करेंगे, और आप चूंकि मैटर लिस्ट नहीं हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये अगली तारीख पे कोई सुनवाई, तो उसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे, इस लिहाज से मायने नहीं रह जाएंगे कि नियुक्ति हो गई और नए चुनाव आयुक्तों ने कार्यभार भी संभाल लिया। फिर वही बात याद आएगी कि अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े हुए थे, उस नियुक्ति की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना था, नई प्रक्रिया बनाने का आदेश दिया था, लेकिन यह कह दिया था कि अरुण गोयल अपने पद पर बने रहेंगे। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के से अब बहुत ज्यादा इस मामले में उम्मीद करनी बेमानी होगी। अब यहां से कुछ होने वाला नहीं है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हाल के दिनों में जिस तरह टिप्पणी करने के लिए जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट एक महज टिप्पणी कर दे कि ये जो हुआ, थोड़ा इंतजार करना था सरकार को, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। इस टिप्पणी से ज्यादा कुछ और नहीं होगा। हालांकि ये बात और है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सियासत होगी, सरकार को घेरने की कोशिश होगी। तो बस आज इतनी सी बात है कि चुनाव आयुक्तों के मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जो आज होनी थी वो नहीं होगी। याचिकाकर्ता एक बार फिर कोर्ट के संज्ञान में लाएंगे कि माय लॉर्ड, आपको इस पर सुनवाई तत्काल करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी हो गई और उन्होंने कार्यभार भी संभाल लिया। ठीक है, ठीक है प्रभाकर, आप बने रहिए।